प्रयागराज जिले के बारा थाना के थाना प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह व हेड कांस्टेबल विपिन बिहारी को मिली बड़ी सफलता। प्रयागराज जिले के बारा थाना के अंतर्गत थाना प्रभारी निरीक्षक बारा के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक अजित सिंह व हेड कांस्टेबल विपिन बिहारी के द्वारा बिछाए गए मुखबिर तंत्र के जरिए उप निरीक्षक अजित सिंह के जरिए मुख्य सूचना मिली कि बारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनबंधर नहर पुलिया के पास मौजूद है। मुखबिर की बातों को सही मानते हुए उप निरीक्षक अजीत सिंह व हेड कांस्टेबल विपिन बिहारी के साथ फोर्स के मुखबिर के बताए हुए स्थान पर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लूट की दो मोटरसाइकिल, चार बोरियों में कुछ दिनों पहले लूटे हुए डीजे की मशीन, स्टेपलाइजर, मिक्सर मशीन, लैपटॉप चार्जर, दो लूट के मोबाइल बरामद करते हुए सभी लूटेरों को जामा तलाशी लेने पर 5 से 315 बोर का देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया। जबकि गिरफ्तार लुटेरों ने सभी लुटेरों बारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 74 की धारा 392 की परिवर्तित कर जेल भेजा गया। टीवी इंडिया 3 जिला संवाददाता हरशंकर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। दिनांक 31 मई 2021 को जनपद प्रयागराज के थाना बारा में एक पीड़ित ने सूचना दी थी कि वह डीजे संचालक है और डीजे की काम करने के बाद जब वह शादी के एक समारोह से लौट रहा था तो कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बल प्रयोग करके उसका डीजे का सामान, जिसमें डीजे बजाने का म्यूज़िक सिस्टम और लैपटॉप वगैरह रखे, उसे इन लोगों द्वारा हम किया गया। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें इसके अनावरण हेतु और बरामदगी हेतु कई टीमें लगाई गई थी, जिसमें आज दिनांक 18 जून को थाना बारा के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर टीका राम के नेतृत्व में पुलिस टीम को सफलता मिली है और इसमें 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लूट का 100% माल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 1 लैपटॉप, 2 घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें तथा डीजे काने सामान और तलाशी के समय से इनके पास से 1 जिंदा तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इन सभी को आज न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेज दिया गया है।